राजधानी रायपुर में 40 लाख की जमीनी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें जमीनी दलाल दिनेश शुक्ला ने सर्वेश्वर डेवलपर्स को 40 लाख में एक जमीन का विक्रय किया और पैसे किसान के खाते में डलवाए। इसके बाद किसान के बैंक खाते से उस रकम को बाहर निकाल लिया और फरार हो गया। इस मामले की FIR खम्हाल्डी थाना रायपुर में की गई है, जिसे लेकर थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू का कहना है कि इस पर जांच चल रही है। पुलिस ने आरोपी दलाल दिनेश कुमार शुक्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बता दें, भोपाल निवासी डेवलपर्स OP कृपलानी के साथ रायपुर के एक दलाल दिनेश कुमार शुक्ला ने ग्राम कशना जमीन बेचने दिलाने के नाम पर झांसा देते हुए धोखाधड़ी की। एक किसान से 40 लाख रुपए में 0.798 हेक्टेयर जमीन का सौदा कराकर उसके बैंक खाते में राशि डलवा ली, लेकिन उस जमीन को किसी और दूसरे को भी बिकवा दी। राशि भी किसान के खाते से निकलवा कर खुद ने ही हड़प ली। फरियादी को उस खरीदी गई जमीन का ना तो कब्जा मिला, ना ही उसकी रजिस्ट्री हुई। शुक्ला अन्य लोगों से भी इस तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपी दिनेश शुक्ला फरार बताया जा रहा है। आवेदक को उपीकृत नानी द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, उसकी जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि जमीन दिलाने के एवज में जो दलाल दिनेश शुक्ला है, वो किसानों की जमीन दिखलाकर पैसे लेता था और 40 लाख रुपया उसने किसानों के खाते में डलवाए DOP कृपलानी जी से, और डलाने के बाद किसानों को ना देकर ना ही रजिस्ट्री कराकर वो पैसा खुद ही निकाल लिया। इसलिए धारा 406 और 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। हम किसान जमीन बेचते हैं, कुछ लागा बोली रहता है या कुछ करने के लिए बेचते हैं जमीन, तो सेठ से कुछ परिचय हुआ, दिनेश शुक्ला से जमीन बेचा है और चेक भी दिए, बाउंस हो गए। चारों भाई को चेक दिए थे, चारों भाई का चेक बाउंस हो गए थे। और फिर फ़ोन लगाया तो फ़ोन बहुत दिन में उठाए, पैसा आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ कहकर घुमा दिए इन लोग को। मेरे चाचा तो पहले से गुजर गए हैं, फिर उसके बाद 2-3 साल बाद मेरे पिताजी गुजर गए अभी। फिर पैसा के लिए बोला तो वो जमीन मैं लिया नहीं हूँ, ऐसा कहकर हम लोग को बोल रहा है भाई। इतने दिन से फिर घुमा का लिए हो, इसे कहकर मैं बोला उसको, उसके बाद अभी लगा ही नहीं हूँ मैं उसका फोन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।